हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपके लिए बनाने जा रहे हैं मसालेदार फलियों का कीमा। तो आइए हम उसे कैसे बनाते हैं देख लेते हैं। एक कढ़ाई में हमने घी गरम कर लिया है, उसके अंदर हमने दो प्याज कट करके डाली हैं बारीक। अभी हम इसे मिक्स कर लेंगे और गोल्डन ब्राउन होने तक अच्छे से इसे पका लेंगे। इसे चलाते रहेंगे, ये देखिए कुछ इस तरह से हम इसे मिक्स करते रहेंगे घी के साथ, और इसे अच्छा गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेंगे। ये देखिए हमारी प्याज का कलर चेंज होना शुरू हो गया है अच्छे से। अभी हम इसे थोड़ा सा चलाकर और एक प्लेट में ट्रांसफ़र कर लेंगे कि हमारी प्याज अच्छे से गोल्डन होने लगी है। देखिए चलाते रहेंगे, गैस की फ्लेम इस वक्त हमारी लो है। अभी हम इसे एक प्लेट में ट्रांसफ़र कर लेंगे अच्छे से। अभी हमने अदरक लहसुन का पेस्ट इसमें ऐड करा है 1 टीस्पून। अभी हमने अच्छे से उसे भून लिया है। अब हमने कीमा अच्छे से धोकर रखा था, उसे भी हम इस घी में ऐड कर देंगे। अभी हम इसमें मसाले ऐड करेंगे, रेड चिली पाउडर, हल्दी पाउडर, नमक अपने जायके के हिसाब से, ज़ीरा और धनिया पाउडर, ये सब 1-1 टेबल स्पून है। आप अपने हिसाब से मसाले कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अभी हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसके अंदर दही ऐड करेंगे, 3 टेबल स्पून मैंने दही का इस्तेमाल करा है इसके अंदर। ये देखिए अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अगर आप चाहें तो इसके अंदर टोमेटो भी ऐड कर सकते हैं दही की जगह। ये देखिए अच्छे से हम इसे मिक्स कर लेंगे। अभी हमने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम इसके अंदर पानी ऐड कर देंगे। पानी डालकर इसे हम थोड़ी देर कढ़ाई में ही पकने रख देंगे। हम इसे ढककर रख देंगे। 10 से 15 मिनट के बाद हम इसे खोल कर देखेंगे कि हमारा कीमा गला है या नहीं। तो चलिए हमारे 15 मिनट हो चुके हैं, अभी हम इसे खोल कर देख लेते हैं। पानी तो अभी भी इसमें है लेकिन हमारा कीमा अच्छे से गल चुका है। ये देखिए अच्छे से गल गया है हमारा कीमा। अभी हम इसे भून लेंगे थोड़ी देर। ये देखिए हम इसे भून लेंगे, थोड़ा इसका पानी खुश्क हो जाए तब तक भूनते रहेंगे इसे। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगे तो इसे लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा आपने ये रेसिपी बनाई तो आपके घर में सबको कैसी लगी। अब ये देखिए ये मैंने फलियाँ बारीक कट कर कर रखी थी, अभी हम इसमें मिक्स कर देंगे। कीमे के साथ फलियों को अच्छे से मिक्स करेंगे। ये देखिए कुछ इस तरह से हमने इसे मिक्स कर लिया है, चलाते रहेंगे। देखिए अभी हम इसे ढककर रखेंगे 2 मिनट के लिए, इसे पकने देंगे अच्छे से। ये देखिए हमने खोल लिया है, हमारी फलियां अच्छे से लगभग थोड़ी बहुत गल चुकी हैं। इसके अंदर हमने जो प्याज रखी थी निकाल कर गोल्डन ब्राउन करके एक प्लेट में उसे क्रश कर लिया है, उसे भी हम इसमें ऐड कर देंगे। ये देखिए अच्छे से हम इसे मिक्स करते रहेंगे। चलाते रहेंगे, मिक्स कर लेंगे अच्छे से। ये देखिए अच्छे से हम इसे भूनते रहेंगे, थोड़ी देर भून लेंगे हम इसे प्याज डालकर। अभी हम इसके अंदर पानी ऐड कर देंगे। थोड़ा सा इसमें पानी ऐड कर देंगे हम। लगभग हमारा कीमा फलियां बनकर तैयार है। अभी हम इसे 2 मिनट के लिए रेस्ट पे छोड़ा है। अब देखिए हमने इसके अंदर अदरक ऐड करी है। अभी मैं इसको आपको सर्व करके दिखाती हूँ। मैंने इसे एक पराठे के साथ सर्व किया है, ये देखिए कुछ इस तरह से मैंने इसे सर्व किया है। थोड़ी सी 2-4 बूंदें लेमन की मैंने इसके अंदर ऐड करी हैं। अल्लाह हाफिज़, थैंक्स फॉर वॉचिंग।